नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक भारत में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य की ताकत या ब्रह्मचर्य का चमत्कार पार्ट दो। पार्ट वन हम बना चुके हैं, अब पार्ट दो बनाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हैं, फिर ब्रह्मचर्य की ताकत के बारे में बताएंगे। वेद शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई गई है। ब्रह्मचर्य का जो दरअसल अर्थ होता है, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना, इंद्रियों को भली प्रकार वश में करना, वेदों का पढ़ना, विद्या में चित्त लगाना, जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, सब इंद्रियों पर संयम रखता है, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। सब गुणों का मूल ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। मनुष्य जो कुछ खाता पीता है उसका रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मल बनता है। इसी में सातवां सार पदार्थ वीर्य बनता है। यह ओज रूप में सारे शरीर में चमकता है। शरीर में जो बल तेज मालूम होता है वह इसी के कारण होता है। 70 शेर खुराक से 1 शेर खून बनता है और 1 शेर खून से 2 तोले वीर्य बनता है। 2 तोले इसका मतलब 20 ग्राम। ऐसी अमूल्य वस्तु को जो नष्ट कर देता है उसका शरीर का कितना भयंकर नाश होता होगा, इसका तुम सहज भी अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए वीर्य की सदा रक्षा करते रहिए। अनेक महर्षियों ने कहा है ब्रह्मचर्य ही परम तपः। दरअसल गुरुकुल में प्रविष्ट होने से 25 वर्ष के समय को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इस काल में मनुष्य की इंद्रियां बलवान होती हैं। यदि वीर्य का नाश ना किया जाए तो वह पूर्ण शक्तिशाली बन सकता है। उसकी बुद्धि तो बढ़ती है और अंगों का भलीभांति विकास होता रहता है। इसलिए नियमित व्यायाम और उत्तम भोजन द्वारा ईसाइयों में अपने शरीर, मन और बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए। ब्रह्मचारी को कभी अकाल मृत्यु नहीं सता सकती, उस पर कोई रोग आक्रमण नहीं कर सकता। जैसे हम किसी बड़े ब्रह्मचर्य का नाम बताएं, ब्रह्मचारी का नाम बताएं, श्री हनुमान, शिव जी, श्री राम, भीष्म पितामह, और इसी युग में लगभग 190 वर्ष, 90 या 95 वर्ष के आसपास स्वामी दयानंद सरस्वती, और कुछ 100 साल पहले ही लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही यश प्राप्त किया था। ब्रह्मचर्य में अपार शक्ति है। ब्रह्मचर्य अनायास ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य की। अब हम इतना पुराना तो आपको उदाहरण नहीं देते, हम आपको उदाहरण देते हैं कोई लगभग 195 से 200 वर्ष पुराना, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 को हुआ था, 1824 में हुआ था गुजरात के मोरवी गांव में। दरअसल वो देश को जागरूक करने के लिए जन्म हुआ था उनका, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का बहुत पालन किया था। जादू तो वही होता है जो सिर पर चढ़कर बोले। इस युग में महर्षि दयानंद ऐसे ही ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के ऐसे अनूठे चमत्कार दिखाए कि जिन्हें देखकर संसार दंग रह गया। आओ दोस्तों, जरा उनके ब्रह्मचर्य के बल के कारनामे या किस्से आपको सुनाता हूँ। 1867 की ईस्वी की बात है। झांसी में बुलंदशहर के प्रसिद्ध पहलवान ओम प्रकाश बोहरा ने स्वामी जी से उनकी मालिश करने का हट किया। स्वामी जी ने झांसी के बाग में अपने टांगे फैला दी और उसे मालिश करने को कहा। पहलवान मालिश करते हुए हाँफने लगा। उसने कहा कि स्वामी जी की टांगों की पिंडलियाँ तो फौलाद की तरह है। अब हम आपको दूसरा किस्सा सुनाते हैं, जो कि 1870 ईस्वी में स्वामी जी का
कासगंज में कुछ लोगों के साथ सैर करने को निकले। अचानक सड़क के बीच में ही दो बैल लड़ते हुए दिखाई दिए। 2 घंटे से लोग उनकी लड़ाई देख रहे थे। स्वामी जी ने वहाँ पहुँचकर दोनों बैलों के सींगों को पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। बैल उन्हें थोड़ी देर तक देखकर वापस चले गए कि इतना ताकतवर आदमी है जो हम इतने शक्तिशाली बैलों को हटा दे रहा है। एक किस्सा है 1877 का। जलंधर में स्वामी जी एक भरी सभा में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उनके उपदेश के बाद वहाँ बैठे हुए सरदार विक्रम सिंह बोले, स्वामी जी ब्रह्मचर्य का कोई उदाहरण तो हमारे सामने रखिए, आप इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, हमें कोई उदाहरण तो करके दिखाइए। सभा के बाद जब विक्रम सिंह 2 घोड़ों की बग्घी पर सवार होकर जाने लगे तो सरपट दौड़ते हुए घोड़े अचानक खड़े हो गए। चाबुक मारने पर भी वे टस से मस ना हुए। सरदार विक्रम सिंह ने चकित होकर पीछे की ओर देखा तो स्वामी दयानंद पहिया पकड़कर खड़े थे। वह देखकर नतमस्तक हो गए। एक किस्सा है 1868 ईस्वी का। फरुखाबाद में कुछ पहलवानों ने स्वामी जी को अधिक कसरत करने की सलाह दी। स्वामी जी ने अपना लंगोट निचोड़कर देते हुए कहा कि जरा इसे निचोड़ना। बहुत जोर लगाने पर भी कोई पहलवान उनके लंगोट से एक बूंद भी पानी ना निकाल सका, क्योंकि उन पहलवानों से ज़्यादा ताकत स्वामी जी के अंदर थी। एक किस्सा है 1877 ईस्वी का। अगस्त मास में मेरठ के बनी प्रसाद और दूसरे नामी पहलवानों ने स्वामी जी से उनकी मालिश करने के लिए आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने भूमि पर दाई टांग फैलाकर कहा, इसे मालिश करने से पहले उठाकर तो देखो। पहलवानों से उठाए जाने पर भी टांग टस से मस ना हुई। उन्होंने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगा दी लेकिन टांग इधर से उधर नहीं हो पाई। एक किस्सा है उनका दाऊदनगर का। स्वामी जी सुबह की सैर करते हुए दाऊदनगर की से गांव की ओर जा रहे थे। गांव से खेत की ओर सैर करते हुए जा रहे थे। वहां सड़क के ऊपर कीचड़ था। एक गाड़ी वाला की गाड़ी और बैल कीचड़ में फंस गए थे। बैल गाड़ी थी, उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। स्वामी जी ने देखा कि बैल वाला बैलों को जोर जोर से मार रहा है परंतु वे फिर भी नहीं चलते। स्वामी जी ने जाकर बैलों को खोल दिया और गाड़ी को खींचकर पश्चिम की ओर सूखी भूमि पर पहुंचा दिया। वहां लोग देखकर चकित हुए कि इतना बलवान आदमी इसे हम पहचान भी नहीं रहे और इसे हम सरल मनुष्य समझ रहे हैं, लेकिन उनकी ब्रह्मचर्य की अपार शक्ति से उनमें बहुत ओझ आ रखा था, या आप कहें बहुत शक्ति आ रखी थी। और मेरी वीडियो है ब्रह्मचर्य कैसे करें या वीर्य की रक्षा कैसे करें, वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है, मैंने आधी वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल में जाकर देखते रहे और किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछते रहे। धन्यवाद।